नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन आरजेडी विधायक की तरफ से राष्ट्रगीत का अपमान किया गया। वहीं इसको लेकर के अब बिहार में सियासत तेज हो गई। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करते हुए ये सीधा सीधा सवाल खड़ा कर दिया है कि पार्टी बताए कि ऐसे विधायक पर क्या कार्रवाई की जाए। आपको दिखाते हैं कि सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है। उससे पहले आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र के आखिरी दिन आरजेडी के विधायक उस वक्त बैठे रह गए जब राष्ट्रगीत की शुरुआत की गई। वहीं इसको लेकर के अब बीजेपी की तरफ से कड़े निशाने साधे जा रहे हैं आरजेडी पर। आपको दिखाते हैं कि सुशील मोदी ने ट्वीट करके क्या कुछ लिखा है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन वंदे मातरम शुरू होने के बावजूद राजद के विधायक सदन में अपनी सीट पर बैठे रहे। इसको लेकर के कई नेताओं ने उसकी निंदा की। सुशील कुमार मोदी ने भी पार्टी से कड़े सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। सुशील मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा है कि ओवैसी के पार्टी AIMIM के दो विधायकों ने विधानसभा के पिछले सत्र में राष्ट्रगीत का अपमान किया था। जब इसी दल के चार विधायक राजद में शामिल हुए तब बड़ी पार्टी पर छोटी पार्टी से आए लोगों का असर दिखना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार विधानसभा सत्र का समापन राष्ट्रगीत वंदे मातरम से करने की परंपरा है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के एक विधायक ने शुक्रवार को राष्ट्रगीत के समय खड़े न होकर इसका अपमान किया है। बीजेपी नेता ने आरजेडी से अपने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। उनका कहना है कि अब आरजेडी पर AIMIM का असर दिखने लगा है, इसलिए पार्टी के विधायक ऐसी हरकत करने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन वंदे मातरम शुरू होने के बावजूद आरजेडी के विधायक सदन के भीतर अपनी सीट पर ही बैठे दिखे। इसको लेकर के अब उस आरजेडी की कई निंदा की जा रही है। इसको लेकर के अब बीजेपी की तरफ से सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है और कड़े सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।